नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आपको सीधे एम्स से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर पे लिए चलते हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिटिकल कंडीशन में है, काफ़ी गंभीर स्थिति में है। उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। अभी कुछ देर पहले जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है एम्स की तरफ से, उसमें ये बताया गया कि उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। हेल्थ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी रिमेंस क्रिटिकल। कल जो हालत थी उनकी, उससे हालत और भी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। तो इसके मद्देनज़र आप कह सकते हैं कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है देश की, वहाँ लगातार जो VIPs हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। और अभी जो एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, एम्स बना हुआ है, वहाँ सारे लोग पहुँचे हुए हैं। दर्जन भर से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स वहाँ पहुँचे हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पिछले कई घंटे से वहाँ मौजूद हैं। अमित शाह भी वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो डिग्निटरीज आ रहे हैं वो एम्स की तरफ रुक कर रहे हैं। खबर यह भी मिली है कि 3-4 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। वो भी वाजपेयी को देखना चाहते हैं। अभी जो स्थिति है काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है, काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इसके मद्देनज़र दिल्ली में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। बीजेपी का जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, वहाँ भी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। और कल स्वतंत्रता दिवस था, उसके मद्देनज़र जो वहाँ सजावट की गई थी उसको भी हटा लिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एम्स की तरफ जो रास्ता जाता है नई दिल्ली से, उस रास्ते को भी लोगों से कहा गया कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो VIPs का मूवमेंट अभी वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में एम्स की तरफ। और एम्स के इर्द गिर्द जो सुरक्षा है वो काफ़ी अभी चौकस कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पहुँचने की संभावना है। और खबर ये भी मिल रही है कि अभी से आधे घंटे के बाद हो सकता है कि दूसरा मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया जाए। अमूमन एक घंटे के अंतराल के बाद इस तरह के मेडिकल बुलेटिन नहीं आते, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है फॉर्मर PM की, वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी पिछले काफ़ी दिनों से, तकरीबन 2 महीने से वहाँ वेंटिलेटर पे वो रखे गए हैं। और अभी जो क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है उसको, उसके जरिए वाजपेयी की जो स्थिति है उसको स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात तय है कि एम्स की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें ये बताया गया कि कल की जो स्थिति थी आज से 24 घंटे पहले, उससे और भी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति हुई है। और इसके मद्देनज़र जो सरकार के जितने कार्यक्रम थे और पार्टी की तरफ से जो भी कार्यक्रम थे उसको भी स्थगित किया गया है। तो इंतज़ार रहेगा अभी से आधे घंटे के बाद, जब एक दोबारा बुलेटिन जारी होता है एम्स की तरफ से, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सेहत के बारे में और भी ज़्यादा अपडेट्स होगा। लेकिन ये है कि पूरे देश भर से जो दुआओं का दौर है वो जारी है। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको, वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत ही इस तरह की रही थी कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो राजनीतिक दल थे, उनके काफ़ी करीबी रहे। कांग्रेस के भी वो बिल्कुल करीब रहे। दूरी उनकी किसी भी पार्टी से बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक तरह से उनकी छवि इस तरह की थी कि वो सबको साथ में लेकर चलते थे। तमाम पार्टियों, जो पार्टीज थे उनको साथ लेकर उन्होंने जो सरकार बनाई थी NDA की पहली बार, और उन्होंने पहली दफ़ा 5 साल पूरा किया। कोई भी अपोजिशन लीडर होगा जो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार 5 साल सत्ता में पूरा कर रहा है, तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस वक्त अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। काफ़ी एक कवि हृदय माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और अपनी बात को बहुत ही साफगोई के साथ रखने वाले एक नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का शुमार होता है पूरे देश भर में। और जो उनकी एक शख्सियत है, उनका जो पॉलिटिकल एक परसोना है पूरे देश भर में, उसको लेकर तमाम लोगों में एक राय है कि वाजपेयी ही ऐसे एक शख्स थे जिन्होंने BJP को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाया। अभी तमाम जो लीडर्स हैं उसमें उनके साथ ही लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं, जो अभी एम्स में उनको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, काफ़ी घंटे से वहाँ मौजूद हैं। तो इनकी जो राजनीतिक यात्रा रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की, बहुत ही ज़बरदस्त रही थी। और उन्होंने BJP बनने के बाद जनसंघ से लेकर जो BJP तक की यात्रा रही है पिछले 50 साल की, वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। वो एक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है भारत में, कांग्रेस के मुकाबले उन्होंने कांग्रेस को
बीजेपी को किस तरह से जनसंघ से लेकर 1951 से लेकर अभी तक की जो राजनीति है उसको डोमिनेट किया है, पिछले 50 साल की जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है भारत में उसको लगातार वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने डोमिनेट किया है, और तभी इस पोजिशन पर भारतीय जनता पार्टी आई है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ में सत्ता में केंद्र में आई है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके पीछे एक जो हार्ड वर्क रहा है आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी का, वो तो रहा ही है, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे थे वाजपेयी की, कि सारे लोगों को स्वीकार थे अटल बिहारी वाजपेयी, जितना बीजेपी के खेमे में उसी तरह से अपोजिशन पार्टीज भी उनके साथ में खड़े होते थे तमाम मुद्दों को लेकर। कई बार तो ये भी हुआ कि जब नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, तो उन्होंने अपोजिशन लीडर को, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा कई बार, कई मौकों पे यूनाइटेड नेशंस में, तो इस तरह के संबंध उनके नेताओं से हुआ करते थे। और जब एक बार की चर्चा लगातार वाजपेयी संसद में करते थे कि उनको नेहरू ने कहा था कि जिस तरह से वो भाषण देने का जो अंदाज था, लोगों के पास पहुंचने का जो अंदाज था, तो उसको देखकर नेहरू जी ने कहा था कि तुम जरूर किसी न किसी दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। तो एक कालजयी व्यक्तित्व हम जो कहते हैं कि जिसका किसी भी पार्टीज में, किसी भी धड़े में किसी तरह की दुश्मनी नहीं होती है, सबको साथ लेने की जो काबिलियत थी वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में रही है। और अभी पूरे देश की नज़र एम्स पर बनी हुई है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो अभी बुलेटिन अभी जारी किया गया उसमें उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई गई है। अभी से आधे घंटे के बाद दूसरा बुलेटिन भी आ सकता है वाजपेयी की सेहत के ऊपर, वाजपेयी के हेल्थ के ऊपर नया बुलेटिन भी आ सकता है। इसका इंतज़ार रहेगा हमें कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे आज पूरे दिन भर, क्योंकि पूरे देश की नज़र आज एम्स पर बनी हुई है। तो जो भी खबर वहां से अपडेट्स आएंगे वहां से एम्स के जरिए मेडिकल बुलेटिन, तो उसको हम आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ इस लाइव बुलेटिन में जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।